नमस्कार, SDF लाइव इंडिया में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं गौरव सिन्हा। विरासत की जंग में दिवंगत रामविलास पासवान के पुत्र चिराग पासवान को बीजेपी ने तरजीह देते हुए भले ही हाजीपुर सहित बिहार की 5 लोकसभा सीटें लोजपा रामविलास के खाते में दे दी हो और हाजीपुर के मौजूदा सांसद पशुपति कुमार पारस को एक तरह से पैदल कर दिया हो, लेकिन बीजेपी के इस फैसले से नाराज चिराग के चाचा पशुपति कुमार पारस ने खुले तौर पर जंग ऐलान कर दिया है। पारस ने आज शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हाजीपुर सीट को लेकर न केवल गहरी नाराजगी प्रकट की है बल्कि जंग का ऐलान कर बिहार में एक तरह से राजनीतिक भूकंप ला दिया है। एनडीए में शामिल हाजीपुर के मौजूदा सांसद पशुपति कुमार पारस ने स्पष्ट कहा है कि चाहे जो कुछ हो जाए वह हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे। एनडीए के द्वारा सीट शेयरिंग की आधिकारिक तौर पर घोषणा तो अभी तक नहीं की गई है, लेकिन पारस के द्वारा किए गए इस तरह के ऐलान से यह स्पष्ट हो गया है कि लोकसभा चुनाव के पहले बिहार एनडीए में टूट हो सकती है। बिहार की सियासत से निकलकर आ रही इस खबर से राजनीतिक गहमागहमी का माहौल तेज हो गया है। उन्होंने आज समस्तीपुर सांसद प्रिंस राज और नवादा सांसद चंदन सिंह के साथ साथ पूर्व बाहुबली सांसद सूरजभान सिंह सहित कई अन्य रालोसपा नेताओं की मौजूदगी में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कह दिया है कि वे हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे चाहे कोई कुछ भी कर ले। हालांकि उन्होंने यह भी कहा है कि बीजेपी के किसी शीर्ष नेता से उनकी कोई बात नहीं हुई है। जब तक एनडीए की ओर से सभी सीटों के लिए प्रत्याशियों की नामों को घोषणा नहीं होती है तब तक वो शांत है, लेकिन जो सीटें उनकी है अगर वो नहीं मिली तो उनकी पार्टी कहीं भी जाने के लिए स्वतंत्र है। कल तक मोदी के प्रति आस्था जताते हुए बीजेपी या यूं कहें कि एनडीए के प्रति पूरी तरह से समर्पित रहने का दावा करते आ रहे पशुपति कुमार पारस ने यहां तक कह दिया है कि अगर उनकी पार्टी को उचित सम्मान नहीं मिला तो उनके पास अन्य विकल्प भी मौजूद है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से अनुरोध करते हुए कहा है कि जिन 5 लोकसभा सीटों पर हमारी पार्टी के सांसद है वे सीटें उन्हें ही दी जाए। वैसे उन्होंने इशारे में बड़ी बात यह भी कह दी है कि जो सीट उनकी है अगर वो नहीं मिली तो उनकी पार्टी कहीं भी जाने के लिए स्वतंत्र है। पशुपति कुमार पारस ने यह भी कह दिया है कि अगर उनकी पार्टी को उचित सम्मान नहीं मिला तो उनके पास और भी अन्य विकल्प मौजूद है। अब ऐसे में बीजेपी के लिए मुसीबत यह है कि अगर हाजीपुर सीट चिराग के खाते से ली गई तो वह नाराज हो जाएंगे और अगर पारस को बेदखल किया तो उनकी नाराजगी झेलनी पड़ेगी। जाहिर तौर पर एक तरफ जहां बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार की तैयारी होने की बात कही जा रही है, वहीं पारस ने ऐसे समय में आकर एनडीए के लिए मुसीबत बढ़ा दी है। पारस के द्वारा इस तरह का ऐलान किए जाने के बाद अब तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। वैसे पहले से कहा जा रहा था कि लालू तेजस्वी एनडीए में होने वाले सीट बंटवारे पर कड़ी नजर रख रहे हैं। एनडीए से छिटक कर कोई भी दल अगर महागठबंधन में जाता है तो वहां उसके लिए लालू तेजस्वी ने दरवाजा खोल रखा है। ऐसे में आप देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व हाजीपुर सहित लोजपा की अन्य सीटों के लिए नाराज हुए राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हाजीपुर के मौजूदा सांसद पशुपति कुमार पारस को मनाने में सफल होता है अथवा केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देकर पारस हाजीपुर सीट से अपने भतीजे चिराग पासवान को चुनौती देते नजर आते हैं। हालांकि इतना तय है कि पारस अगर एनडीए से बगावत कर महागठबंधन की ओर जाते हैं तो एनडीए का गणित इसीलिए बिगड़ सकता है क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कहकर उन्होंने एक बड़ा राजनीतिक कार्ड खेल दिया है कि एनडीए के द्वारा पासवान बिरादरी के कई मौजूदा सांसदों का टिकट काटे जाने से पासवान समाज में गलत संदेश गया है। बहरहाल आगे आगे होता है क्या, इस पर राजनीतिक पंडितों की निगाह टिकी है। SDF न्यूज ब्यूरो, धन्यवाद।